बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समीत के साथ क्या आप सब लोग खैरियत से होंगे? आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 27वां रोज़ है, और होप सो कि आप सब लोगों ने जो है वो जो मतलब मुस्लिम जो रोज़े रख रहे हैं उन्होंने 27वीं शब जो है वो खूब इबादत करके गुजारी होगी, और तमाम लोग जो है वो अच्छे से रोज़े रख रहे होंगे, और अल्लाह ताला जो है वो आपके रोज़े कबूल करे, हमारी इबादतें जो है वो कबूल करे। और रमज़ान का आज जो है वो 27वीं शब और 27वां रोज़ा जो है वो काफ़ी ख़ास समझा जाता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो सभी बीमारों को जो है वो अल्लाह ताला शिफा दें, जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ जो है वो दूर करें, और जो जो लोगों की नेक हाजात हैं अल्लाह ताला जो है वो उन सबको पूरा करे, और जो हमारे लिए बेहतर है अल्लाह ताला हमारे दिलों में उसी की चाहत पैदा करे, और वही जो है वो हमारे लिए मतलब हो, हमारी किस्मत में हो, और वही जो है वो अल्लाह ताला हमें दे। तो अभी सहरी जो है वो मैंने कर ली है, और सहरी मुकम्मल करने के बाद जो है वो चाय का जो है वो पोर्शन होता है मेरा, मतलब चाय जो है वो मैंने पीनी होती है। तो अभी मैं इंजॉय कर रहा था चाय, तो साथ में जो है वो मैंने सोचा क्यों ना जो वीडियो का भी स्टार्ट अभी से ले लिया जाए। सहरी वगैरह कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने आईपैड पकड़ लिया और काफ़ी टाइम जब उसी पे लगाया, और अभी जो है वो तकरीबन मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है, लेकिन यह कि सूरज जो है वो तकरीबन तुलू हो चुका है, रोशनी जो है वो ये भी सूरज की है क्योंकि लाइट जो है वो हमारे जा चुकी है। तो आज सहरी में जो था वो हमारे पास था जी मज़े के टेंडे थे, साथ में हमारे पास दही और साथ में चाय और साथ में चोपड़ी हुई रोटी थी, तो काफ़ी मज़े से जो है वो इन्जॉय की अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो थी सहरी वो भी अच्छी हुई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जो है वो सो के उठाऊँ, और नींद आज वक्त जो है वो तकरीबन थोड़ा ही रहा, मतलब कम टाइम सोया गया, ज़्यादा टाइम सोया नहीं गया, वो 1 घंटे के करीब सोया गया ऑलमोस्ट, या 2 घंटे अबाउट, मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया हो रहा ना। तो लेकिन ये है कि नींद ऐसी थी कि उसने ना आज थकावट जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दी है, सिर्फ जो वो एक टांग में जो है वो दर्द थोड़ा बाकी है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है बेटर फील हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं शावर ले लिया जाए, नहा लिया जाए थोड़ा सा, ताकि बंदा जब वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि गली में जो वो चक्कर लगाते हैं। वैसे आसिम जो है वो जा चुका था, इसने गली में ज़रा मुश्किल है, तो मैं हॉल वाली साइड पर जो है जहाँ पर इजी एक्सेस है मुझे, मतलब अफ्तार भी जहाँ पर करते हैं वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि उस साइड के चक्कर लगा के आता हूँ। खैर जी, आगे की प्लानिंग्स तो जो है वो चलती रहेंगी। सबसे पहले हमें उठना पड़ेगा और उठ के जो है वो वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा, मतलब नहाने के लिए। उसके लिए पहले जो है वो 2-3 काम करने पड़ेंगे, एक तो एक वहाँ पर चेयर रखवाना, और उसके अलावा जो कोई हेल्प आउट करने के लिए पर्सन चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है उसको टांग को ज़रा कपड़े से पकड़ के, मैं थोड़ा दर्द तो हो गया लेकिन ये है कि उसको पकड़ के नीचे लटका के, तो जो फिर कोशिश करता हूँ कि नीचे उतरू। तो लेट्स ट्राई कि क्या बनता है। फाइल जो है वो इधर एडजस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद मतलब इधर से इस सीमित में हो जाएगा ऐसे। टांग जो पकड़नी है वो इस तरह से कपड़े को, मतलब इस तरह करके ना, इस तरह तो यूं उठाई जाएगी। तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो ये सक्सेस भी जो है वो हमने हासिल कर ली है, कि मतलब ओए उल्टा दर्द शुरू हो। खैर तो जी मतलब इतना जो है वो आज हमने कर लिया, अभी आगे जो है फॉरवर्ड मूव करके देखते हैं भला हुआ जाता है कि नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। टंटें, और फाइनली जब हम नहा के जब वो बाहर आ चुके हैं, और लाइट शेड भी ऑफ है, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साफ सुथरा लग रहा हूँ इस टाइम, और आपने कलर जब वो देख लिया होगा शर्ट का, क्या वो चेंज हो गया। वैसे मैं आगे एक बात सोचा था कि हम मतलब
एक क्लिप लेते हैं, फिर उसके बाद 4 घंटे वेट करते हैं दूसरे क्लिप के लिए, और फिर 2 घंटे वेट करके तीसरा क्लिप, फिर 2 घंटे वेट करके छोटा चौथा क्लिप, छोटा छोटा चौथा क्लिप लेते हैं। लेकिन मतलब आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती होंगी कि वो मतलब आप लोग यूँ 10 मिनट में पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मेजर मेजर जो चीज़ें हैं, मतलब हम आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं, वो आप लोग यूँ जो है 5-10 मिनट के अंदर देख के सारे गुजर जाते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के जब क्या फीलिंग्स होती हैं इस बारे में, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्या आप महसूस करते हैं इस चीज़ को, किस तरह से लेते हैं। क्योंकि हमारे जो ये होती है, मैं फील कर रहा हूँ, मतलब जो मैं कर रहा हूँ, हम सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग उठा, वहाँ पर शॉर्ट लिया, फिर उसके बाद जो था वो तकरीबन 3-4 घंटे बाद दोबारा शॉर्ट लिया, फिर 3-4 घंटे बाद दोबारा शॉर्ट लिया, फिर अभी जो था वो नहाने से पहले शॉर्ट लिया, फिर उसके बाद नहा के शॉर्ट लिया। तो नहाने का ड्यूरेशन भी जो था वो तकरीबन आधे पौने घंटे की जो थी वो मेरी मेहनत थी, क्योंकि वो मेहनत ही मैं सीखूँगा, काफ़ी तरह जब मुझे दर्द बियर करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, उसके अलावा और जो वो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या फीलिंग्स होती है हमें, मुझे जब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे जब इश्तियाक है इस चीज़ का, मतलब एक क्यूरियोसिटी आ रही है माइंड में कि ऐसा क्या, मतलब क्या आता है आपके माइंड में, तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और अभी इरादा था बाहर जाने का, लेकिन ये है कि घर में कोई नहीं है, लाइक कासिम बैजम तो ऐसे सियालकोट है, और आसिम भी जब बाहर गया हुआ, उसके अलावा घर में खवातीन नहीं, तो इसलिए मैं तो बाहर जाना मुनासिब नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई उठा के बाहर नहीं ले जा सकता। तो अभी वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं फिर इंशाल्लाह बाहर का चक्कर लगाते हैं। और अभी जो है वो टाइम हो चुका है अफ्तार का, आज मैं बाहर भी नहीं जा सका, और आज मैं उधर भी जाके अफ्तार ही नहीं कर रहा हूँ फैमिली के साथ, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जब वो मुझे छींक आई, और हाय 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 क्या बताऊँ आपको कि हिला के रख दिया उसने, मतलब छींक आने के बाद जो था वो टांग ज़रा हिली, झटका लगा पूरी बॉडी को। तो अब जाहिर सी बात है जो एक मतलब नाजुक जगह है इस टाइम मेरी बॉडी की, सबसे वीक पॉइंट इस टाइम जो बना है वो पेट वाली जगह, ये सारा जो हड्डी का ही है, तो झटका लगा और अब जो है वो बस ये हाथ भी लगा देना टांग वाली साइड को तो दर्द स्टार्ट हो रहा है, इस ये हिसाब हो चुका है। तो अभी जब मैं इसको रिलैक्स रखता हूँ ताकि होप्स हो कि जो है वो ज़रा दर्द कम हो जाए और दोबारा से जो है वो नॉर्मल हो जाए, इसलिए जब मैं नहीं जा रहा, वगैरह मेरा इरादा था कि आज जाके इफ्तारी जब वो फैमिली के साथ की जाएगी, लेकिन अभी मुझे जब इफ्तारी इधर अकेले ही करनी पड़ेगी। सब वेट कर रहे हैं कि इफ्तारी आते हैं, फिर उसके बाद इफ्तारी जब मतलब टाइम होता है साथ में, फिर जब इफ्तारी स्टार्ट करते हैं। इफ्तारी का टाइम तकरीबन काफ़ी करीब आ चुका है, और इफ्तारी का सामान जो है वो हमारे पास आना शुरू हो गया है, बल्कि काफ़ी हद तक आ चुका है। मैं ज़रा पहले आपको इफ्तारी का सामान दिखा दूँ। और हमारी मज़दर से इफ्तार जो है वो आप लोगों ने भी देखी, और हमने भी जब काफ़ी इंजॉय किया, और उसके बाद जब भी मैं कर रहा हूँ रेस्ट, नींद जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा आ गई है। वीडियो जो है वो तकरीबन एडिट हो चुकी है, कंप्लीट होने वाली है, बस थोड़ा सा पोर्शन जो है वो लास्ट चला रह गया, और ये जो क्लिप मैं अभी बना रहा हूँ ये जो है थोड़ा एडिट होने वाला रह गया, उसके अलावा अभी जो दर्द भी हो रही है। हमें दीजिए इजाज़त, अपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें आप, अल्लाह हाफिज़।